नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, आईपीएल के 13वें सीजन का 51वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच 31 अक्टूबर यानी आज दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मैच करो या मरो की तरह है। अगर दिल्ली कैपिटल्स ये मैच हारती है तो प्लेऑफ में जगह बनाने में मुश्किल हो सकती है, तो वहीं मुंबई इंडियंस इस मैच को जीतकर आईपीएल 2020 की पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर रहना चाहेगी। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी में पहले से ज़्यादा गहराई नज़र आ रही है। पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ शानदार पारी खेली थी और टीम को एक तरफा मैच जितवाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ईशान किशन, क्विंटन डिकॉक और हार्दिक पांड्या भी बेहतरीन फॉर्म में है। मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की बात करें तो तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और जेम्स पैटिनसन ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। हालांकि पिछले मैच में जेम्स पैटिनसन काफ़ी महंगे साबित हुए थे। स्पिन गेंदबाजी में टीम को एक बार फिर कृणाल पांड्या और राहुल चहर से किफ़ायती गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पिछले 3 मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा है और ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स को यह मैच किसी भी हाल में जीतना होगा। पिछले मैच में ऋषभ पंत के अलावा कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया था। इसके अलावा टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और शिखर धवन भी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। गेंदबाजी की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम में तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा के साथ एनरिक नॉर्जे ने टीम के लिए हर वक्त जरूरत पड़ने पर विकेट दिलाया है। मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 11: क्विंटन डिकॉक, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, सौरभ तिवारी, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, किरण पोलार्ड, राहुल चहर, जेम्स पैटिनसन, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11: शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर कप्तान, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस, शिमरन हेटमायर, एनरिक नॉर्जे, आर अश्विन, अक्षर पटेल, तुषार देशपांडे और कगिसो रबाडा। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत सकती है? आपका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।